नमस्कार सभी दोस्तों को, पुनीत पूनिया यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे गांव के ही जो अपने मोटा भाई हैं उनका स्वराज 855 एफ ही चल रहा है, उनके खुद के प्लॉट में ही चल रहा है। ये इन्होंने नया प्लॉट लिया है यहाँ, और जो इन्होंने मिट्टी इसमें डाल ली थी डंपरों से, इस मिट्टी को बैठाने के लिए ये जो इनका खुद का कंप्यूटर लेवलर है, दो कंप्यूटर लेवलर है इनके पास में, ये इसे घुमा रहे हैं। एक तो ये मिट्टी बैठ रही है, पहले ये करीब 1 मीटर ऊंचाई हो रही थी इसकी, अब ये बैठते बैठते नीचे चली गई है। तो प्लॉट की मिट्टी को लेवल और बैठाने के लिए कंप्यूटर मानजा ही चलाना चाहिए हमेशा, क्योंकि जब आज के टाइम में सुविधा है तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसे फावड़े से लेवल करवाएंगे लेवर से, तो जितना ट्रैक्टर फ़ायदा आपका कर रहा है उतनी लेवर नहीं कर पाएगी फावड़े वाली। वो तो मजबूरी की बात वहाँ है कि जहाँ आपके पास में ट्रैक्टर की सुविधा नहीं है। ये 600 गज है, 600 गज प्लॉट है, और अब आबादी यहाँ तक आ गई है। ये भी पहले खाली पड़ा था, अब इसमें भी आबादी आने वाली है। पीछे भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, आबादी आ गई है, यहाँ गन्ना खड़ा है। क्योंकि चाहे कॉलोनी आप काटो चाहे हम काटें, जब तक कॉलोनी नहीं कटती, प्लॉटिंग में ज़मीन नहीं जाती, जब तक जो है क्षेत्र का विकास नहीं होता। नई नई मान लें यहाँ अगर कोठी बन गई तो थोड़ी आगे की ज़मीन और कॉस्टली हो जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पैसे को किस तरफ मोड़ते हैं। आप उसे बिजनेस में लगाते हैं, ज़मीन का पैसा ज़मीन में लगाते हैं, क्योंकि जो भी पैसा आपके पास है अगर आप उसे ज़मीन में लगाते हो, जैसे इनके पास में पैसा था तो इन्होंने इसे ज़मीन में लगाया। पहले इन पर जितने सोंज बनाने थे, ट्रैक्टर सामान गाड़ी घोड़ा गाड़ी जो भी इन्हें बनाने थे वो बनाए इन्होंने, और उसके बाद में अब ये जहाँ भी मिलती है 100-200 गज भी और उससे ज़्यादा भी अपना ज़मीन ही खरीदते हैं। बाकी अन्यथा ये अपनी जो ट्रैक्टर मशीनरी है, खेती है, फूलों की भी खेती करते हैं सीजनल, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट कर रहे हैं। लेकिन इनकी ये तारीफ है कि रात दिन सोते नहीं हैं, अपना काम करते हैं। किसी ट्रैक्टर पे इनके पे कोई ड्राइवर नहीं है, अपने आप ही चलाओ ना सारे भैया, अपने सामने ही हैं। अच्छा भैया सामने नहीं आने का। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, बिल्कुल मट्टी में बुरा हाल है ना, हजामत बन रही है भाई की। तो भाई ने पहले ही कह दिया था भाई मुझे सीन में मत लियो, कोई बात नहीं जी, हम तो एक आने वाले समय के लिए जो अपने भाई वीडियो को देखें तो इससे जो है कुछ ना कुछ सीखें कि अपना पैसा जो है चाहे मौका हो चाहे ना हो ज़मीन में ही पैसा लगाएं। ये रास्ता जो है, ये रास्ता गांव के खड़ंजे से ही आ रहा है, और यहाँ 2 प्लॉट हैं ये, और अपना ही कंप्यूटर लेवलर है इनका। और तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मिट्टी दबा दी है नीचे की तरफ, नीचे दबा दी है और लेवल भी कर दिया है। तो अभी तो मिट्टी और डाल लोगे इसमें, अभी तो डलेगी ना। तो दोस्तों बहुत बढ़िया बेनिफिट होगा, और उनका जिनका वो सामने दीवार आ रही है उन्हें भी, मुझे लगा पड़ोसियों का भी फायदा हो जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगी। मुझे लगा यो दीवार 2-3 बार गिर ली दिखे है, 2 बार गिर ली ना, अब नहीं गिरने की, अब तुम गिरन नहीं देने के इसे डंपर पर डंपर। दोस्तों जितना ये यहाँ लेवल हुआ है इससे डबल जाएगा अभी अभी करीब, मुझे लगा 1.5-2 मीटर और होगा भराव बिल्कुल। दोस्तों जहाँ वो जोड़ चमक रहा है दीवार का, आपको दिखा दूँ, वहाँ तक ये भराव जाएगा, जो ये जो जोड़ चमक रहा है आपको ये वाला बीच वाला, वहाँ तक जाएगा। तो उन्हें भी इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो इस चीज़ का इन्हें धन्यवाद दें चाहे ना दें, लेकिन उन्हें जो है अब वे बेफिक्र होगी, क्योंकि उन्हें मकान बनाने से पहले ये टेंशन थी कि ये बारिश आएगी और ये दीवार गिर जाएगी, क्योंकि 2 बार जो है दीवार गिर ली है, लेकिन अब ये दीवार नहीं गिरेगी। अपने भाई जो हैं ये मोटा भाई अब इस दीवार को नहीं गिरने देंगे, इनका प्लॉट तैयार हो गया है। तो इसमें बगीचा फुलवाड़ी क्या लगाओगे? साग सब्जी फिलहाल के लिए, जिससे अढ़ावा ना जमे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें शेयर करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहें।